किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जिनकी वजह से वहां जाम के हालात बने हुए हैं। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर हालात सामान्य बन गए हैं, लेकिन गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, जिसकी वजह से वहां जाम के हालात हैं। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाली सभी गाड़ियों की जाँच हो रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और दिल्ली की तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। तमाम वाहन जो हरियाणा गुरुग्राम से इस तरफ आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। बैरिकेड करके रास्ते को तकरीबन आधा कर दिया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ CISF की भी तैनाती दिख रही है। ऐसे में अगर कोई बस आ रही है तो उसके अंदर घुसकर देखा जा रहा है और उसके अलावा जो तमाम गाड़ियां हैं उनको देखकर यहां से जाने दिया जा रहा है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो आप देखेंगे फिलहाल जाम जैसी तस्वीरें बनी हुई है क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन गुरुग्राम की अगर बात करें तो वहां पर ना किसी तरीके की कोई बैरिकेडिंग है ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। यानी कि गुरुग्राम की तरफ से बॉर्डर आज खुला हुआ है लेकिन दिल्ली में बैरिकेड किया गया है और ये जो सड़क जहां पर हम खड़े हैं इसे कल से ही ब्लॉक करके रखा गया है। ये गुरुग्राम से आती हुई सड़क है जो रजौकरी और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाती है। यहां अगर बात करें तो आगे भी अगर आपको पुलिस का डिप्लॉयमेंट दिखाएं तो आप देखेंगे कि भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। वज्रवैन यहां पर है और हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस का बल्कि CISF के जवान भी यहां पर मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ इस तरीके के जो इंतजाम है उनको किया गया है और यहां से कोशिश यही है कि कोई भी किसान संगठन या किसान जो यहां से दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं उन्हें यही बॉर्डर पर रोक दिया जाए। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर क्या स्थिति है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ DCP साउथ वेस्ट इंगित प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, कल का दिन तो शांतिपूर्वक निकल गया, आज की क्या तैयारियां हैं, कोई कॉल है आपको? जिस तरह के इंतजाम कल थे आज भी सिमिलर इंतजाम किए गए हैं। हमारे दो बॉर्डर लगते हैं, एक रजौकरी बॉर्डर जहाँ हम खड़े हैं और एक कापासेड़ा बॉर्डर, दोनों पे हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं और इनपुट सभी कोई नहीं है। हम लोग गुड़गांव पुलिस से टच में हैं, अभी थोड़ी देर पहले DCP साहब से बात हुई है गुड़गांव में। इनपुट सभी कुछ नहीं है, बट जैसे ही होगा दे'ल इन्फॉर्म अस एंड वील स्विंग इनटू एक्शन। और अगर कोई आता है इस तरफ से, कोई भी मूवमेंट होता है, हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ CISF भी नजर आ रही है, तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दोनों ही बॉर्डर्स पर? जी एकदम पुख्ता है, यहाँ पे भी और कापासेड़ा बॉर्डर पे भी। जी जैसे बाकी बॉर्डर्स पर भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस जो है वो समझा भी रही है, बाकायदा पोस्टर्स भी लगे हैं कि कोविड का समय है, तो इस तरीके के इंतजाम यहाँ भी होंगे इन केस अगर यहाँ किसान पहुँचते हैं, बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, क्या रहेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, गुड़गांव पुलिस जैसे ही हमको इनपुट देगी कि वहाँ से कोई मूवमेंट है, अगर होगा भी तो काफ़ी दूर से होगा, वी विल हैव इनफ टाइम। और हमारे पे वी आर एब्सोल्युटली रेडी, हमारे पे PA सिस्टम भी है जिससे हम लोग अनाउंस करेंगे। हमारे पास पोस्टर बैनर्स भी हैं जो कि यहाँ लगा दिए जाएंगे। अनाउंसमेंट यही होगी कि आप लोग DDMA और NDMA के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और उसके तहत आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप आगे जाते हैं। अमित हमारे साथ मौजूद है सिरसा से। अमित, जल्दी से जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब आप बता रहे थे कि वहां पर अब किसानों को बोला जा रहा है कि दिल्ली कूच कीजिए, जो उनके लीडर्स हैं, फिलहाल किसान क्या कह रहे हैं, बातचीत के लिए क्या खुला हुआ है रास्ता? जी बिल्कुल, हरियाणा पुलिस लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है लेकिन किसान किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ यही कहना है कि वो दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं और मैं जिस यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से लगा दिए गए हैं कि अगर बैरिकेडिंग तोड़ते हैं तो ये पत्थर जो है वो रोकेगा किसानों को। लेकिन यहाँ पर मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, किसान जो है किस तरीके से तैयार है। आप यहाँ पर देखें तो आज कल के मुकाबले आज जो तस्वीरें हैं आज दूसरी तस्वीरें हैं। सभी किसान जो है केवल उनकी जो नजर है वो बैरिकेटिंग की तरफ है। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है हरियाणा पुलिस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में हरियाणा पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट और हाथों में लाठियां लेकर पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस यहाँ पर तैयार है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और ये जो ट्रक है इस ट्रक के पीछे वाटर कैनन फायर सर्विसेज उन तमाम सर्विसेज को यहाँ पर लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर DSP होंगे कुलदीप सिंह जी। सर कल जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर थी, कल सामान्य था, सब बैठ कर प्रदर्शन, आज क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आज हमने 5 कंपनियां लगा दी गई हैं और बठिंडा चौक पे भी अलग से कंपनी डिब्यूट कर दी है। वाटर कैनन और जो भी दंगा विरोधी उपकरण वो ज्यादा मंगाए गए हैं और पहले से ज्यादा तैयारी है और जैसे हालात होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। आज क्या बातचीत करने की कोशिश की गई है सर हरियाणा पुलिस की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, किसानों से?
नहीं, अगर स्थिति आई तो हम इनसे करेंगे बातचीत, लेकिन माहौल देख के ही किया जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो माहौल देख के स्टेप लिया जाता है। पूरी तरीके से आपके जवान हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ तैयार है? बिल्कुल अच्छी तरह पूरी तरह तैयार है। अगर कानून हाथ में लेंगे तो सख्ताई से निपटा जाएगा। कानून हाथ में लेंगे तो सख्ताई से निपटा जाएगा, ये हरियाणा पुलिस का कहना है। डिप्टी एसपी कुलदीप सिंह हमसे इस वक्त बातचीत कर रहे थे। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ से, आप अर्पिता देखिए किस तरीके से जो है किसान जो है लगातार उनके जो बड़े नेता हैं वो अनाउंस कर रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे। और कल जिस तरीके से यहाँ पर टेंट लगाया गया था, वो टेंट हालांकि रात तक था, कल जिस तरीके से वो बैठ कर प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार मंच से भाषणबाजी हो रही थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज किसान सुबह से ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं अर्पिता की दिल्ली कुछ करना है। जी ठीक है, चलिए पानी पर